गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज द 5th जुलाई। ओके, एज यू नो आई एम सरिता सोनी फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। लेट अस स्टार्ट अ जीके ऑफ 7th स्टैंडर्ड। जीके मीन्स जनरल नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट योर बुक्स। अब अपने बुक्स निकाल लीजिए। दिस इज योर जीके बुक, ये आपकी जीके की बुक है। निकालिए और पेज नंबर निकालिए 5। दिस इज द पेज नंबर 5। फर्स्ट चैप्टर है आपका इनोवेशंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इनोवेशन? बेटा जी, इनोवेशंस का मतलब क्या होता है? इनोवेशंस का मतलब होता है नई खोज, एक नया आविष्कार। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कह रहा है? लाइफ स्किल। You must have heard people saying think out of the box. It is a way of looking at problems or situation from a new angle and finding new solutions. इसके अंदर क्या बताया गया है कि लाइफ स्किल माने, कई बार लोग कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डब्बे के बाहर सोचो। अब डब्बे के बाहर सोचो तो कुछ नहीं होता ना, मतलब आप जो आपकी ट्रेडिशनल विचारधारा चली आ रही है, जिसके ऊपर लोग हमेशा से वही काम ऐसे होता है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा कुछ सोचो, कुछ नया। ठीक है ना, किसी भी समस्या को नए तरीके से देखो। जब नए तरीके से देखोगे, एक डिफरेंट मैनर में यू विल ऑब्जर्व इट, देन यू विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन भी डिफरेंट मिलेगा। तो एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से किसी समस्या को देखो। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट थिंकर। अब हम क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड के कुछ बहुत ग्रेटेस्ट महान विचारक है, एंड सी हाउ दे चेंज्ड आवर लाइफ। उन्होंने किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज कर दिया। आइडेंटिफाई देयर नेम्स एंड देयर इनोवेशंस। आपको उनके नाम भी बताने हैं और उनके इनोवेशंस भी बताने हैं। देखिए, फर्स्ट आपको ये दिख रहा है, क्या कह रहा है? मे बी वी वुड स्टिल बी फाइंडिंग आवर वे इन द डार्क एट नाइट्स इफ इट वॉज नॉट फॉर द क्रिएटिव जीनियस। मे बी, हो सकता है वी वुड स्टिल बी फाइंडिंग, हम अभी तक खोज रहे होंगे आवर वे इन द डार्क एट नाइट्स, रात के अंधेरों में अभी तक हम अपना रास्ता खोज रहे होंगे, इफ इट वॉज नॉट फॉर द दिस क्रिएटिव जीनियस, और यदि ये इस क्रिएटिव, एक अलग हटके जो जीनियस था, उसके लिए नहीं है। तो इस तरह की जो विचारधारा है, मतलब उन्होंने क्या किया, अंधेरे के अंदर रात की बात करें कि रात के अंधेरे में कुछ खोज रहे होंगे, मे बी वी वुड स्टिल बी फाइंडिंग आवर वे इन द डार्क एट नाइट्स, हो सकता है इफ़ इट वॉज नॉट फॉर द क्रिएटिव जीनियस, यानी इस व्यक्ति ने अगर एक इतना अच्छा क्रिएटिव जीनियस वर्क नहीं किया होता, तो ये पॉसिबल है कि हम आज भी रात के अंधेरे के अंदर जो होता है अपना रास्ता खोज रहे होंगे। बता सकते हैं कौन है? आइडेंटिफाई द पर्सन। बेटा ये कौन सा पर्सन है? ये है थॉमस एल्वा एडिसन। तो सबसे पहले आपको नेम ऑफ द पर्सन एंड, तो आपको क्या करना है, नेम ऑफ द पर्सन, पहला तो आपको नेम ऑफ द पर्सन लिखना है, और दूसरा आपका इनोवेशन, देयर इनोवेशन। दो चीजें लिखनी है, तो नेम ऑफ द पर्सन क्या हो जाएगा बेटा आपका? थॉमस एल्वा एडिसन। मैं आपको थोड़ा सा इधर करके देखती हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से कर सकते हो। तो नेम क्या है, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, EDISN। थॉमस एल्वा एडिसन, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था बेटा इनोवेशन, कौन सा हो गया, इन्होंने इनोवेशन किया था इलेक्ट्रिक बल्ब। किसका आविष्कार किया था इन्होंने? इलेक्ट्रिक बल्ब का। सेकंड है, सेकंड देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन हो गया,
ये देखिए, ये आपको सेकंड जो सर्कल दिख रहा है इसके अंदर किसका है? राइट, आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया बेटा? यस, दिस इज द महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन. ही प्लेड अ वाइटर रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ये वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए में एक मुख्य भूमिका निभाई थी. प्रोटेस्टिंग इन अ यूनिक वे दैट डिड नॉट रिजल्ट इन द ब्लड शेड. ये इन्होंने क्या किया था, एक यूनिक वे में, एक बिल्कुल अलग हटके तरीका निकला और उसका परिणाम क्या हुआ, ब्लड शेड. इन्होंने किसी तरह का कोई खून खराबा जो था उसके ऊपर नहीं एम्फेसिस दिया. जनरली झगड़ा करेंगे तो आप खून खराबा होगा, लेकिन इन्होंने भारत की आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर किसी तरह के खून खराबा नहीं होने दिया. तो इनका नेम क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड नंबर पे नेम आ जाएगा आपका महात्मा गांधी. महात्मा गांधी इनका नाम था. He is known as the father of nation. इनका innovation क्या है, concept of non-violence. Non-violence माने अहिंसा, अहिंसा का रास्ता इन्होंने अपनाया था. अब third number आता है, देखिए this is the third man. Thanks to this innovation, we can talk to anyone at any place and at any time. इन व्यक्ति ने जो आविष्कार किया है वो क्या किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए. उनके कारण हम किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं. ठीक है, वो कौन थे, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. ओके, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. और इनका जो इन्होंने इनोवेशन किया था वो किसका, टेलीफोन. आज जो हम बातें करते हैं वो इन्हीं के कारण पॉसिबल हुआ. तो नेम आ जाएगा थर्ड नंबर पे, ALEX. एलेक्जेंडर ग्राहम बेल. और इनोवेशन में आ जाएगा बेटा, इनोवेशन क्या किया था इन्होंने, टेलीफोन का. हो गया, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल था, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था. अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव द पावर टू क्रिएट अ बाइक, अगर आपके अंदर एक बाइक बनाने की पावर है, हाउ विल इट लुक, ये कैसी लिखेगी, पुट योर ओन थिंकिंग कैप्स एंड क्रिएट योर ओन बाइक. यहाँ पर हमने जैसे कहीं भी आपको कुछ बनाना है तो उसके लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, वॉट विल इट बी मेड ऑफ, ये कैसी होगी, हाउ विल इट बी यूजफुल, कैसे, हाउ विल इट लुक, हाउ विल इट बी मेड ऑफ, ये किससे बनी हुई होगी. दूसरा, ये कैसी दिखेगी, हाउ विल इट बी यूजफुल, ये यूजफुल कैसी होगी, वॉट विल इट रन ऑन, किस तरह से ये चलेगी, आगे समझ में. तो इस तरह से क्रिएटिव थिंकिंग इज अ टैलेंट वी आर ऑल बॉर्न विथ, लेट अस डेवलप इट एंड यूज इट इन आवर डेली लाइफ्स. मतलब क्रिएटिव थिंकिंग एक अलग हटके जो सोच होती है वो हम सबके पास में है. हम जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास में ऐसी सोच होती है, लेकिन आइए हम इसे क्या करें, डेवलप करें. हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते बेटा. तो एंड यूज़ इट इन आवर डेली लाइफ्स, और अपनी ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर आप करें. तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर वन. और आपको जो मैंने वर्क करवाया है यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, आप बिल्कुल नोटबुक में इसको कर लीजिएगा. मेरे पास इसके लिए कोई PDF नहीं है, आंसर भी लिखा है मैंने, क्वेश्चन भी लिखा है, वर्ड मैंने आपको डिक्टेट करवा दिया है. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क ऑन द सैटरडे और व्हाट्सअप. अगर स्कूल में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सैटरडे को आ जाइएगा और बात कर सकते हैं. थैंक यू.